केवल मेरा मोटिवेशन या इंस्पिरेशन का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होते हुए, बल्कि ये पूरा प्लेटफॉर्म ही आज हमारे देश के सारे स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। ज़माना तेज़ी से बदल रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रही हैं और स्टार्टअप्स बढ़ते जा रहे हैं। आई थिंक सपनों के सौदागर और सपनों की उड़ान लेने वाले जो हमारे साथ स्टार्टअप्स जिनके सामने सपनों के सौदागर बैठे होंगे, और यहाँ जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो चलिए सबसे पहले अपने स्टार्टअप से मुलाकात का सिलसिला शुरू करते हैं, जो अपने आइडिया के दम पर दुनिया को बदल देने की ताकत रखते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। सबसे पहले, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे शारीरिक और दिमागी कई विकास होते हैं, बदलाव होते हैं। महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा होता है कि उन बदलावों को लेकर कुछ परेशानियाँ, कुछ चिंताएँ भी जहन में होती हैं, लेकिन हम खुलकर उन पर बात नहीं कर पाते, जिस वजह से हेल्प भी नहीं ले पाते हैं। हमारी जो पहली स्टार्टअप आ रही हैं वो इसी समस्या का समाधान लाने की गारंटी दे रही हैं। तो आपको मिलवाती हूँ एवेलिन इमैनुअल से। हाय, मेरा नाम एवेलिन इमैनुअल है और मैं माई एवा की फाउंडर एंड सीईओ हूँ। My Eva एक विमेंस हेल्थ और वेलनेस प्लेटफॉर्म है। इंडिया में 70% वुमेन को कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में कोई ना कोई क्रॉनिक कंडीशन ज़रूर होती है। 20% ऑफ वुमेन, 1 in every 5 वुमेन को इंडिया में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंडीशन होता है, जहाँ पे उनको हेयर लॉस, फेशियल हेयर, इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स, ये सारे सिम्टम्स एक ही कंडीशन में होते हैं, और इस कंडीशन का नाम PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। कभी सुना नहीं होगा, लेकिन ये कंडीशन 20% ऑफ द वुमेन को है इंडिया में। PCOS एक कंडीशन है जो एक लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशन है, जो ज़्यादातर आजकल एक गायनेकोलॉजिस्ट और बर्थ कंट्रोल पिल्स के द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो उसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन PCOS के लिए, जैसे मैंने कहा, इतने सारे सिम्टम्स हैं, तो आपको सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट की नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस कोच, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत होगी। और हम लोग एग्जैक्टली वो करते हैं, हम लाते हैं एक ब्यूटिफुली क्राफ्टेड PCOS प्रोग्राम प्लान, जिसमें आपको ये पूरी टीम मिलती है ऑफ एक्सपर्ट्स, और हम लोग ये जो सोल्यूशन है वो 1 million लोगों को ले जाना चाहते हैं अगले 1 साल में। हमारा लार्जर गोल सिर्फ PCOS नहीं है, हम वो ऐप बनना चाहते हैं जिसे देखकर हर वुमेन को कोई भी हेल्थ या वेलनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपकी मॉम हो, बहन हो, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो हम लोगों को टारगेट करना है कंडीशंस लाइक थायराइड, इनफर्टिलिटी, मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, ये सारी कंडीशंस को हम लोग रीच करना चाहते हैं। आज के इंडियन वुमेन के पास एक ग्रोसरी ऐप है, शॉपिंग ऐप है, सारी ऐप्स है, लेकिन एक ऐप नहीं है जिनकी उनके उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जिस चीज़ को वो हमेशा बैक बर्नर में डालते हैं, वो है अपना खुद का हेल्थ, और वो ऐप माई एवा है। तो क्या आप माई एवा में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है आज? एवेलिन, मैं ये भी चाहूँगी कि आप हमारे हॉर्सेस को बताएं कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट। राइट नाउ आई एम लुकिंग एट अबाउट 2 crore टू रेज 2 crore एट अ 20% स्टेक। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है कि आपकी ऐप की वजह से कोई औरत ये जान सकती है कि इसको PCOS है? हमारे ऐप में ऐसा एक चीज़ हमने बनाया है जो है